नमस्कार, मैं हूँ संबल शुक्ला और अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के लामपुर गांव में। और लामपुर गांव में हम ऐसे उस रोड पे खड़े हैं जो रोड दिल्ली को हरियाणा से और हरियाणा से दिल्ली को जोड़ता है। ये बहुत ही मुख्य रोड है। मैं आपको अपने पीछे दिखा दूं कि ये रोड कम नाले से भरा तालाब ज़्यादा हो चुका है। मैं बता दूं, आधे से ज़्यादा रोड ये टूट चुका है और इसमें नाली का पानी जो है पूरी तरीके से फैल चुका है। आप देख सकते हैं कि गाड़ियों को आने जाने में कितनी समस्या हो रही है। आप देख सकते हैं कि आधे से ज़्यादा 70% रोड जो है पूरा नाला बन चुका है। और यहाँ के निवासियों का क्या कहना है, ये समस्या कैसे हुई? और जो है जो बड़े बड़े दावे करती है प्रशासन, जो बड़े बड़े दावे करते हैं नेता, वो लोग क्यों सोए हुए हैं, हम लोग इनसे जानेंगे। हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम संजय कुमार है जी। संजय कुमार जी, ये बताइए कब से ऐसे ही रोड पड़ा हुआ है? इसको तो लगभग साल भर हो गया जी, एक साल से ऐसे ही पड़ भरा है ये। इधर ये दिल्ली सरकार का समाज कल्याण विभाग का ये जो है ना भिक्षु ग्रह है, इसका पानी आता है रोड पे और ये सारा नाला जो है ना इसकी निकासी नहीं है पानी की। तो दिल्ली सरकार का यहाँ कोई ऑफिस है? हाँ जी, हाँ। जो कि वहाँ से उसका पानी यहाँ से चले नाले द्वारा बह के आता, हाँ, है और रोड पे फैलता है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, यहाँ के निगम पार्षद जी कौन से पार्टी से हैं? वो आम आदमी पार्टी के ही हैं। अच्छा, क्या नाम है उनका? उनका है रामनारायण भारद्वाज करके है। तो ये जो क्षेत्र है जिस क्षेत्र में खड़े हैं जो यहाँ के निगम पार्षद है, रामनारायण भारद्वाज जी हैं। अच्छा, यहाँ के विधायक कौन है? विधायक क्या नाम है? शरद चौहान जी, आम आदमी पार्टी से। अच्छा, विधायक शरद चौहान जी और निगम पार्षद रामनारायण भारद्वाज जी। और यहाँ के तमाम जो प्रशासन अधिकारी हैं उनको मैं दिखाना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि ये जो दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली, हरियाणा पंजाब से जो लोग आते हैं वो सबसे पहले दिल्ली में घुसने से पहले दिल्ली की सुंदरता देखते हैं, वो स्विमिंग पूल देखते हैं, वो नाले का पानी देखते हैं, 70% टूटा हुआ रोड देखते हैं। और हमारे साथ कुछ यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे कि क्या है पूरी मामला, क्या है पूरा मामला। जी, क्या नाम आपका? अमित कुमार नाम मेरा जी। क्या समस्या है? समस्या ये है, ये रोड आपने देख भी लिया, जितना लॉकडाउन में जो जीटी रोड का वो था सारा ही दरगाह जाता था और उन्होंने ये पुलिया बनाई और ये पुलिया पे देख लो आप, इस पुलिया को बना के छोड़ दिया, इस पर ना माल गिरा या दोबारा फिर टूट गई, टेंडर में सारा खा लिया। ये पुलिया तो जहाँ तक हम समझते हैं तो पीडब्ल्यूडी ने बनाई थी। जी सर, पीडब्ल्यूडी ने बनाई थी। जब बनाने के बाद यह हालत देख लो, इस पर माल नहीं पड़ा, पूरा खा लिया सब कुछ। हम ये कहना चाह रहे हैं हरियाणा से, हरियाणा के गाँव ने देख लो और दिल्ली के गाँव ने देख लो, और दिल्ली के गाँव की यह हालत है, हरियाणा के गाँव बेहतर है, हरियाणा दिल्ली की राजधानी बता रहे हैं इसको। तो ये जो पानी इकट्ठा है, ये पानी कितने दिन या कितने महीने हो गए पानी ऐसे? इसको तो साल हो लिया, ये तो चल ही रहा है। इस पानी का तो कोई ये लगा लो यहीं पर देख लो कैसी इसकी सूरत है, बिल्कुल। आप लोग यहाँ के स्थानीय लोग हैं तो क्या आपने कभी विधायक जी से और निगम पार्षद से संपर्क करने की कोशिश नहीं की? ऐसा है, ये तो ना गांव वाले सभी जाते हैं, काउंसलर के पास भी जाते हैं, विधायक जी के पास भी जाते हैं, ये तो महीने दो महीने। आप लोगों ने कभी निगम पार्षद को यहाँ ला के, क्योंकि आप लोगों ने वोट दिया है, आप लोगों ने उनको चुना है, तो कभी ला के उनको दिखाया कि सर ये देखिए हमारे इलाके की हालत क्या हो चुकी है? उनको सब पता है, ठीक है, बता रखा है और उनको मालूम भी है। और अब बारिश होगी, अब बारिश में थोड़ी देर बाद देख लेना यहाँ पर गाड़ियों की लाइन, यहाँ पर खड्डे में गाड़ी फंस जाती, टूट जाती है, बुरी बहाव है पूरी तरीके से, पूरे रोड को पानी से भरता जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, नाला पूरी तरीके से, जो नाले हैं वो टूटे पड़े हैं और उसका पानी पूरा रोड पे आ रहा है। और मैं आपको, आप अब देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर के अंदर पूरा पानी घुस चुका है और जो ट्रांसफार्मर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अर्थिंग से करंट हो सकता है पूरे रोड पे, ये देख सकते हैं आप, पूरे ट्रांसफार्मर में भी पानी हो सकता है। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा अपने चैनल के माध्यम से, आप सभी दर्शकों को उसको इतना शेयर करिए कि ताकि नेताओं तक, अधिकारियों तक और बिजली विभाग तक ये पूरी जो है मामला पहुंच जाए और इसका कुछ ना कुछ हल निकले। नमस्कार, प्रदीप यादव के साथ संबल शुक्ला।